असम के सोनापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके अलावा वहां बसे लोगों को हटाने पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को असम सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। इस बीच असम में एक्शन लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि असम सरकार शीर्ष अदालत की अवमानना कर रही है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिस्वा सरमा को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने उन 48 लोगों की ओर से याचिका दायर की थी जिन पर असम सरकार ने बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की थी। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। इन लोगों ने अपनी अर्जी में कहा कि जब शीर्ष अदालत की ओर से किसी के घर पर बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है तो फिर ये कार्यवाही क्यों की गई है। ऐसा किया जाना तो अदालत की भी एक तरह से अवमानना है। इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और तब तक एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने इससे पहले 17 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा था कि कोर्ट की परमिशन के बिना बुलडोजर एक्शन न किए जाए। हालांकि तब बेंच ने यह भी कहा था कि सड़कों, रेलवे लाइनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन के लिए ऐसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सोनापुर गुवाहाटी के बाहरी इलाके में आता है और कामरूप जिले में है। इस इलाके के कई स्थानों पर जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को चिन्हित किया है। प्रशासन का कहना है कि यहां आदिवासी क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाए गए हैं।